ऑलराइट, तो आज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो एक सज्जन है, एक जेंटलमैन है, उन्होंने पूछा है कि सर जो वाइफ है वो मेरे स्टेटस नहीं देखती, वो मुझे रिप्लाई नहीं करती, ओके, और वो ना मेरा फ़ोन उठाती, मतलब सारा कुछ, ठीक है, तो क्या मैं उस पर कोई केस कर सकता हूँ इस रिगार्डिंग, यानी कि, तो देखो ऐसा तो कोई प्रोविज़न है नहीं, अगर आपके वो स्टेटस नहीं देख रही है तो क्या पता वो देख रही हो यार आपके स्टेटस रीड रिसिप्ट को हटा के, यानी कि वो देख रही हो लेकिन आपको जो सीन है वो नहीं आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और कहते हैं कि यार रिप्लाई भी नहीं करती, तो देखो यार वो उसकी प्राइवेसी है, ठीक है, उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए आप केस नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही ये कोई क्रुएलिटी में आता, आप बोलो कि भी आपके साथ क्रुएलिटी हो रही है मेरे साथ, ठीक है, मेंटली क्रुएलिटी, यार नहीं दिया रिप्लाई, नहीं दिया, ठीक है, हालांकि बुरा लगता है हमें भी पता, लेकिन अच्छा मतलब आप केस नहीं कर सकते इस रिगार्डिंग, ठीक है, क्या पता वो कहीं बिजी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्या पता वो कुछ काम करती हो, वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन क्या पता, सरल शब्दों में कहूँ तो क्या पता उसका अफेयर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ओके, तो देखो इसके लिए आप केस तो नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि आपके पास आप कोर्ट में नहीं जा सकते इस चीज़ के लिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं होगा, आप प्यार से बात करो, क्या पता मान जाए, ठीक है, अदरवाइज़ आप कोर्ट जा नहीं सकते। तो एक किसी ने मतलब बड़े समझदारी वाली बात की है, इफ़ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल, तो आप भी चेंज करो, अफेयर करो, 497 हटा ही दिया है, अडल्ट्री अब हटा ही दिया, कोई क्राइम नहीं है, तो आप भी करो, ठीक है, अब मैं पर्सनली एडवाइस नहीं कर रहा, मैं आपको आपका सॉल्यूशन बताते हुए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, सो कहीं कोई पर्सन ये सोचे कि भाई ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो चिल,